नमस्कार, जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के IQAC के तत्वावधान में आयोजित व्याख्यानमाला के अंतर्गत मैं डॉक्टर राहुल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बिहारी के दोहे। आप जानते हैं कि बिहारी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। बिहारी को पढ़ने से पहले हम संक्षेप में रीतिकाल के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो उसका हम शुरुआती जो कालखंड है उसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो कालखंड आता है उसका नाम है भक्तिकाल, और भक्तिकाल के बाद जो कालखंड है उसका नाम है रीतिकाल। रीतिकाल की तीन शाखाएँ हैं, जिनमें पहला है रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरा है रीतिसिद्ध काव्यधारा और तीसरा है रीतिमुक्त काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा की जब हम बात करते हैं तो इसमें नाम लेते हैं हम केशवदास का और चिंतामणि का। इसी तरह जब हम रीतिसिद्ध काव्यधारा की बात करेंगे तो इसमें बिहारी का नाम सर्वश्रेष्ठ आता है, और उसके बाद जो रीतिमुक्त काव्यधारा है इसमें घनानंद ठाकुर और बोधा का नाम लिया जाता है। बिहारी सतसही पर बात करने से पहले संक्षेप में हम बिहारी के विषय में जान लेते हैं। बिहारी बच्चों हिंदी साहित्य के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने केवल एक रचना लिखकर हिंदी साहित्य ही नहीं अपितु पूरे भारतीय साहित्य में अपना स्थान सुनियोजित किया है, और उनकी रचना का नाम है बिहारी सतसही। बिहारी सतसही में लगभग 713 दोहे हैं, जिनका अगर हम विभाजन करें तो उनका विभाजन इस तरह से होता है, उसमें भक्ति के भी दोहे हैं, नीति के भी दोहे हैं और श्रृंगार के भी दोहे हैं। अगर हम इन दोहों का विभाजन करें तो हम पाते हैं कि बिहारी ने सर्वाधिक मात्रा में जिन दोहों को लिखा है वो लिखा है श्रृंगार के दोहे। परंतु श्रृंगार के साथ साथ बिहारी में सतसही में जो सामाजिक वातावरण उस वक्त का था, सामाजिक परिवेश उस वक्त का था, उसको भी बिहारी ने अपने कविता में बराबर स्थान दिया है। इसी क्रम में जो हम पढ़ेंगे आज पहला दोहा वो है बिहारी सतसही का मंगलाचरण। आप सभी जानते हैं कि जो महाकाव्य है, खंड काव्य है, उसकी एक परंपरा रही है कि कविता शुरू करने से पहले जो कवि हैं वो मंगलाचरण करते हैं। जैसे रामचरितमानस का मंगलाचरण आप जानते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इसी तरह जो बिहारी सतसही का जो मंगलाचरण है वो है मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति होई। ये दोहा छंद में है, और जब हम दोहा छंद की बात करते हैं तो दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसका मतलब ये है कि जो दोहा छंद के जो पहला और तीसरा चरण है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, और जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। और जब हम, आप ध्यान दीजिए, जब हम कविता पढ़ते हैं तो कविता पढ़ने की एक विशेष क्रिया होती है, एक विशेष तरीके से कविता को पढ़ा जाता है, उसे गद्य की भांति हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे जब हम दोहे का जब हम वाचन करेंगे तो उसको वाचन करने का प्रकार क्या है, वाचन करने का तरीका क्या है, उसे भी हम साथ साथ जानेंगे। जैसे मेरी भवा बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होई। ये दोहा पढ़ने का तरीका है। इसमें बिहारी कहना चाह रहे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति होई। भव बाधा, भव का मतलब होता है संसार, बाधा का आशय होता है दुख कष्ट पीड़ा तकलीफ, और हरो का मतलब होता है जैसे हरना अर्थात दूर करना। नागरी का आशय यहाँ पर है चतुर, और जो बिहारी कहना चाहे प्रतिबिंब का मतलब होता है जो राधा नगर जातन की झाई परे, झाई का मतलब होता है प्रतिबिंब अथवा छाया। कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो, बिहारी क्या कहना चाह रहे हैं कि हे राधा नागरी, हे चतुर नायिका या हे चतुर राधा, मेरी भव बाधा हरो, मेरी जो सांसारिक बाधाएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो मेरी तकलीफ हैं या जो मेरी समस्याएं हैं, आप सब जानते हैं कि सांसारिक समस्याएं बहुत प्रकार की होती हैं,
उन्हीं को बिहारी राधा से दूर करने की बात कर रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो, हे राधा मेरी इस सांसारिक बाधाओं को, मेरी समस्याओं को आप क्या कीजिए, दूर कीजिए राधा नागरी सोई। और जहाँ तन की जहाँ परे श्याम हरित द्वितीय हो। और अब राधा के बारे में बिहारी क्या कहना चाह रहे हैं, बिहारी कहते हैं जहाँ तन की जहाँ परे, जिसके तन की झाई अर्थात प्रतिबिंब पड़ने से, छाया पड़ने से श्याम हरित, श्याम का यहाँ पर बच्चों अर्थ है श्याम रंग का अर्थात काला रंग, कि जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति हो, श्री कृष्ण का वर्ण कैसा हो जाता है, हरित रंग का हो जाता है, अर्थात श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि बिहारी ने किसी परंपरागत बड़े चरित्र का अथवा बड़े जो हम ईश्वर जिन्हें हम स्वीकार करते हैं उनका मंगलाचरण में उनका नाम नहीं लिया है। अगर बिहारी ने नाम लिया है तो उन्होंने राधा का स्मरण किया है। और चूंकि हम जानते हैं कि रीतिकाल की हिंदी आलोचना में सर्वाधिक आलोचना भी होती है, रीतिकाल को एक प्रकार से खारिज करने की भी बात है, किंतु यहाँ पर जो बिहारी सत्संग का ये वाला दोहा है वो इस खारिज करने के पक्ष को पूरी तरह से दरकिनार करता है। देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जात की जहाँ परे श्याम हरित द्युति हो, अर्थात जिनकी छाया मात्र पड़ने से जो श्याम रंग वाले श्री कृष्ण हैं वो भी हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात उनके प्रताप इतना अधिक है, उस राधा के प्रताप की, उनकी महिमा की या उनकी श्रेष्ठता की यहाँ पर बिहारी बात कर रहे हैं। अगला जो हम दोहा पढ़ेंगे, हाँ, इसको जब आप हम दोहा पढ़ते हैं तो दोहा अथवा कविता पढ़ने के बाद व्याख्या खंड में हमें उन कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है, रीतिकाल जो है उसमें लगभग सभी कविताएं ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। चूंकि जब सभी कविताएं ब्रजभाषा में लिखी गई हैं तो बिहारी सत्संग की भी भाषा क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ब्रज, और शैली यहाँ पर चूंकि मुक्तक हो जाएगा। आप जानते हैं कि मुक्तक शैली की ये विशेषता होती है कि उसमें जो भी कविता होगी वो स्वतंत्र होगी, अर्थात पहली कविता का या पहले दोहे का दूसरे दोहे से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा। यदि बिहारी सत्संग में 713 दोहे हैं तो 713 दोहों की अलग अलग विषय वस्तु है, और इसमें रस देखेंगे आप श्रृंगार और भक्ति रस है, क्योंकि मंगलाचरण है तो स्पष्ट है कि मंगलाचरण यदि इसमें है तो उसमें किसी न किसी ईश्वर की से प्रार्थना की बात कर रहे हैं, ईश्वर की इसमें भक्ति हो गई। और जैसे मैंने शुरू में बताया इसमें जो छंद है वो दोहा छंद हो गया। अलंकार आप देखेंगे हरो राधा नागरी में अनुप्रास अलंकार हो गया। अनुप्रास अलंकार क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे र वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, और आप जानते हैं जहाँ एक वर्ण दो या दो से अधिक बार आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। हरो राधा नागरी में र वर्ण बार बार आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे भव बाधा झाई तथा श्याम हरित द्युति के यहाँ पर अनेक अर्थ होने से श्लेष अलंकार हो गया, स्पष्ट है। फिर गुण इसमें आप देखेंगे इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण है, और इसमें जब आप विशेष देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें बिहारी का जो रंगों का जो बिहारी को विशेष ज्ञान है उसकी भी स्पष्ट छटा स्पष्ट रूप हमें इस दोहे में दिखाई देता है। अगला दोहा जब आप देखेंगे तो बसे बुराई जासु तन ताही को सनमान भलो पलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपोदान। देखिए इस दोहे को पढ़ने के बाद एक चीज और स्पष्ट हो जाती है कि बिहारी को सामाजिक ज्ञान के साथ साथ उनका ज्योतिषीय ज्ञान भी अनुपम है, दृष्टव्य है। यहाँ पर सम्मान का मतलब होता है सम्मान करना, आदर करना, और अनिष्ट जैसे बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। सम्मान का मतलब होता है सम्मान करना, आदर करना या किसी की प्रशंसा करना। लोक व्यवहार का सामान्य सा सिद्धांत आप जानते हैं कि जिन व्यक्तियों से हमें बहुत अधिक दुख पहुंचने की या कष्ट पहुंचने की संभावना होती है हम प्रायः उनसे बचने की कोशिश करते हैं। किंतु इस दोहे में बिहारी क्या कहना चाहते हैं कि बसे बुराई जा से तन ताही को सम्मान। यदि आपको
किसी अनिष्टकारी व्यक्तियों से जो आपका अहित चाहते हैं या आपको किसी ने किसी रूप में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? उन्हीं का सम्मान करना चाहिए कि बसे बुराई जा सुकन ताही को सम्मान, कि जिसके अंदर जो है बुराई होती है, अर्थात किसी न किसी रूप में उसके अंदर यदि बुराई बसी हुई है, वो किसी का अनिष्ट कर सकते हैं, किसी का बुरा कर सकते हैं, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। वो इसीलिए करना चाहिए ताकि वो आपको किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचा सके। भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह चुपदान। जैसे ज्योतिष शास्त्र का एक सामान्य सा नियम है, यदि आपकी कुंडली में या आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह ऐसे हैं जो आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं, जो पीड़ित ग्रह हैं या जो त्रिक भावों में बैठे हुए ग्रह हैं, चाहे वो छठा भाव हो, आठवां भाव हो, द्वादश भाव हो, यदि इन भावों में कोई ग्रह हैं तो सीधी सी बात है ये ग्रह आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं, दुख दे सकते हैं। तो ज्योतिष का ये नियम है कि जो बुरे ग्रह हैं उन्हीं की आपको पूजा भी करनी चाहिए, खोटे ग्रह जप दान, उन्हीं का आपको जप करना चाहिए और उन्हीं का आपको दान भी देना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर दोहों की जो संज्ञा है, जो ग्रहों की जो संज्ञा बिहारी दे रहे हैं, वो समाज के उन अनिष्टकारी लोगों को दे रहे हैं जो आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं, दुख पहुंचा सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं अथवा पीड़ा पहुंचा सकते हैं। और इसमें देखिए आप बिहारी जो है संसार में दुष्ट व्यक्तियों की बहुत आवाभगत आदर होती है, जिससे उसके अनिष्टकारियों से बचा जा सकता है। इसमें जब हम विशेष देखेंगे तो कवि ने अनिष्ट ग्रहों के आने पर जप दान आदि से उन्हें शांत करने के कार्यों के माध्यम से इस यथार्थ का सुंदर चित्रण किया है। क्योंकि मैंने शुरू में बताया रीतिकालीन जो भी कविता है, संपूर्ण रीतिकालीन काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है, तो स्पष्ट है तो बिहारी ससई पूरी ब्रज भाषा में है, शैली इसमें मुक्तक होगी क्योंकि दोहा छंद है और सभी दोहा छंद जितने भी लिखे गए हैं सबकी विशेषता या सबकी विषय वस्तु एक अलग होती है। छंद इसमें दोहा हो गया, रस इसमें शांत हो गया, गुण आप देखेंगे जब इसमें प्रसाद है और व्यंजना से भी ओतप्रोत है। व्यंजना शब्द शक्ति, आप जानते हैं कि शब्द की तीन शक्तियां होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। व्यंजना शब्द शक्ति वहां पर होती है जहां पर कवि या लेखक जो है वो किसी अन्य अर्थ की ओर भी संकेत करता है। यहाँ पर ग्रहों के माध्यम से जो अनिष्टकारी व्यक्ति हैं, जो समाज में जो दुष्ट व्यक्ति हैं, आपको पीड़ा पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं, उनको अभिप्रेरित करने की बात करते हैं। जब हम इस दोहे में अलंकार की बात करेंगे तो बसे बुराई में अनुप्रास अलंकार है। बसे बुराई में अनुप्रास अलंकार इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ब वर्ण की दो बार आवृत्ति हुई है। इसके अलावा भलो भलो में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आप जानते हैं कि जब दो शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। खोटे ग्रह का उदाहरण देने के कारण दृष्टांत भी है। और इसी प्रकार जब हम कविता की बात करते हैं तो हमें ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इसी कविता के भाव साम्य के रूप में दूसरी कौन सी कविता हमारे पाठ्यक्रम में है अथवा हमने कौन सी कविता पढ़ी है। आप देखेंगे कि ऐसे ही तुलसीदास ने भी लिखा है, टेढ़ जाने सब बंद काहू, वक्र चंद्रमहि ग्रह सही न राहू। वक्र का मतलब होता है जो वक्री ग्रह होते हैं। यहाँ पर भी तुलसीदास ने ज्योतिषीय संदर्भ दिया है, ज्योतिष का ही संदर्भ दिया है कि चूंकि चंद्रमा को राहु ग्रहण लगा देता है, किंतु तुलसीदास लिख रहे हैं कि वक्र चंद्रमहि ग्रह सही न राहु। जो चंद्रमा यदि कुंडली में वक्र की स्थिति में है, यदि वो वक्र है तो उसे जो है ग्रहण नहीं लगता, अर्थात राहु ग्रह जो उसे नहीं ग्रसित कर पाता है। स्पष्ट है, हम आगे देखेंगे कि मर तु प्यास पिंजरो पर्यो सुवा समय के फेर आदरु दे दे बालिया तू बाई सुबलि के बेर। देखिए इसमें जो है समय की बात बिहारी कर रहे हैं कि समय कितना बलवान होता है, समय कितना प्रबल होता है, उसके बारे में कहते हैं। हम सभी जानते हैं सुख और दुख समय की दो कसौटियां होती हैं, कभी एक जैसा समय नहीं रहता है। यहाँ बिहारी ये कहना चाह रहे हैं कि मरो तो प्यास पिंजर पर्यो सुवा समय के फिर आदर दे दे बालिये तू बाईसु बलि के बे। मरो तो प्यास पिंजर पर्यो सुवा समय के फिर, शब्दों के अर्थ देखने की कोशिश करेंगे। मरो तो प्यास पिंजर पर्यो सुवा समय के फिर, सुवा कहते हैं सुग्गा, सुग्गा अर्थात तोता,
तोते के लिए कहते हैं, बाईसु कहते हैं कौवे के लिए। बाल यहाँ पर जो है श्राद्ध के अन्न से निकला हुआ जो कौवे का भाग होता है उसे हम कहते हैं बाली या बलि। और बेर का मतलब होता है समय, बेर मतलब समय। स्पष्ट है कि मरत प्यास पिंजर पर सुहा समय के पर। हम जानते हैं जितने भी पक्षी होना है उसमें जो सबसे ज्यादा लोगों को जो प्रिय होता है जिसे हम पालते हैं वो पक्षी होता है तोता। किंतु यहाँ पर बिहारी कहना चाह रहे हैं कि सब समय का फेर होता है, मरुत प्यास पिंजर पर सुहा समय के फेर। कई बार ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि पिंजरे में जो है वो तोता मृत्यु को भी प्राप्त कर जाता है, जबकि उसे लोग सबसे अधिक प्रिय हैं, वो उसे सबसे अधिक लोग पसंद भी करते हैं और उसे पालते भी हैं। किंतु समय का ये खेल है कि समय के फेर से, अर्थात ये भी कह सकते हैं जो भाग्य का जो चक्र है, सुग्गा जो है या जो तोता है वो पिंजरे में प्यासा भी कई बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या पिंजरे में ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। वही ठीक इसके उल्टे जो कौवा जो पक्षी है वो उसे लोग पालते नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि उसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हों, किंतु जब श्राद्ध का समय होता है, जो श्राद्ध पक्ष जब चलते हैं, तब कौवे को जो है विशेष सम्मान के साथ आदर के साथ बुलाया जाता है और उसे भोजन भी कराया जाता है, उसके हिस्से का कुछ भोजन कुछ भाग हम लोग छतों पर रखते हैं। ये बहुत लोक व्यवहार की बात इस दोहे में बिहारी कर रहे हैं। ऐसा एक दोहा आप देखेंगे बिहारी सत्संग का एक बड़ा चर्चित महत्वपूर्ण दोहा है जो इसी विषय पर है जिसमें समय की बात बिहारी करना चाह रहे हैं। दोहा वो इस प्रकार है कि समय समय सुंदर समय, रूप को रूप न कोई, मन की रुचि जैती जीते तित तैती रुचि होई। इस दोहे का क्या अर्थ है, इसका क्या आशय है कि समय समय सुंदर समय, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जैती जिते तित तैती रुचि हो। अर्थात ये सब समय का ही फेर होता है, कई बार ऐसा भी होता है जो हमें बहुत अधिक प्रिय है जिसे हम बहुत अधिक पसंद करते हैं, समय का फेर कई बार ऐसा होता है कि हम उसे नापसंद भी करने लगते हैं, वो हमें अप्रिय भी हो जाता है जो हमें सर्वाधिक प्रिय होता है। कि इसीलिए बिहारी कहते हैं कि समय समय सुंदर समय, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जैती जिते तित तैती रुचि हो। अर्थात मन की रुचि जैसी होती है उसी प्रकार हमारी भी रुचियां बदलने लगती है। जो वस्तु अर्थात जो व्यक्ति जो है हमें आज जितना अधिक प्रिय होगा, बहुत संभावना है कि आने वाले समय में वो हमें उतना प्रिय नहीं होगा, आने वाले समय में वो हमें अप्रिय भी लग सकता है। यही इस दोहे का भाव है। इसी प्रकार बिहारी सत्संग में आप और देखेंगे कि जो लोक व्यवहार की जो बातें हैं, जो समाज की बातें हैं, वो बिहारी इस दोहे में कर रहे हैं। इसी प्रकार एक दोहा और देखिए, नीच ही ये हुल से रहे गहे गेंद के पोत, जो जो माथे मारियत त्यों त्यों ऊंचे होत। यहाँ पर नीच व्यक्तियों के बारे में बिहारी कह रहे हैं। चाणक्य नीति का एक बड़ा चर्चित श्लोक है कि गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणा, बली बनम वेति न वेति निर्बला, पिकह वसंतस्य गुणम न वायसा, करी च सिंहस्य बलम न मूषका। लगभग भाव इस दोहे में नीच ही उड़ से रहे गहे गेंद के पर। जो नीच व्यक्ति होते हैं या जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो गेंद की भांति होते हैं। कैसी गेंद, किस प्रकार की वो गेंद है, जो जो माथे मारे थे तोते ऊंचे हों। जिस प्रकार हम गेंद को मार किसी के यदि सर पर मारे या हम कहीं पर गेंद को मारते हैं तो वो दोगुने आवेग के साथ आपकी ओर ही आती है। इसी प्रकार जो नीच व्यक्ति होती है उनकी यदि आप प्रशंसा भी करें या उनको किसी प्रकार का बुरा भी कहें, उन पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। इसमें भी आप देखेंगे ब्रज भाषा का इस्तेमाल बिहारी ने किया, ब्रज भाषा के इसमें सुंदर प्रयोग किया है। दोहा छंद हो गया। अब जो अगला दोहा हम पढ़ेंगे, वे न इहाना गड़बड़ी जिन आदर तो आब, फूल्यो अन फूल्यो भयो गवई गाव गुलाब। यहाँ पर भी नागर का अर्थ है नगर के रहने वाले जो चतुर लोग हैं, जो हमने पहले दोहे में पढ़ा था, राधा नागरी सोई। आब का मतलब है शोभा या रौनक, गवई अर्थात ठेठ देहात,
वे न यहाँ नागर बड़ी जिन आदर तो आप। यहाँ पर बिहारी जो है संकेत कर रहे हैं कि यहाँ गांव में या यहाँ ठेठ जो देहात है यहाँ पर उस प्रकार के रसिक लोग नहीं है, अर्थात वे नहीं हैं नागर बड़े जिन आदर तो आप जिस प्रकार आप जिस सम्मान की आप उनसे अपेक्षा करते हैं उस प्रकार के लोग यहाँ नहीं है। फूले उन फूलो भयो गवई गांव गुलाब, यहाँ पर जो है वो गुलाब चाहे फूला रहे या अनफूला रहे उन्हें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इसका सामान्य सा शब्दार्थ हो गया। यहाँ पर बिहारी जो है संकेत में ये कहना चाह रहे हैं जो मैंने अभी आपको चाहना की नीति का दोहा गुणी गुणम वेत निवेत निर्गुण, अर्थात जो गुणों की कद्र होती है वो गुणवान व्यक्ति ही कर सकता है। बलीच सिंहस्य बल करीच सिंहस्य बलम न मूषक, करी कहते हैं हाथी के लिए, जिस प्रकार हाथी के बल के महत्व को केवल एक शेर समझ सकता है चूहा नहीं समझ सकता, उसी प्रकार यहाँ पर इस दोहे में बिहारी ये कहना चाहते हैं कि वे नहीं नागर बड़ी जिस स्थान पर यदि आपका सम्मान न हो आपको वहाँ नहीं रहना चाहिए। आप यदि कहीं ऐसे स्थान पर चले जाए जहाँ पर गुणी लोग नहीं है या विद्वान लोग नहीं है तो वहाँ पर आपका उस रूप में सम्मान नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि भाषा ब्रज हो गई, छंद इसमें चूंकि बिहारी सत से ही पूरा जो है वो दोहा छंद में ही लिखी गई है। और धन्यवाद।